2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। अब राजस्थान में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में बची हुई 15 सीटों पर भी उम्मीदवार लगभग फाइनल हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा आरआर तिवारी का नाम भी सामने आ रहा है और इसके अलावा महेश जोशी का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर अनिल चोपड़ा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा राजेंद्र यादव का नाम भी सामने आ रहा है। बात करें गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर कुलदीप इंदौरा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा भरतराम मेघवाल का नाम भी सामने आ रहा है और शंकर पन्नू का नाम भी सामने आ रहा है। बात करें सीकर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा महादेव सिंह खंडेला का नाम भी सामने आ रहा है और सीताराम लांबा का नाम भी आ रहा है। इसके अलावा बात करें करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर संजय जाटव का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा सुरेश चंद बैरवा का नाम भी सामने आ रहा है और रक्षी बैरवा का नाम भी आ रहा है। बात करें अजमेर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर विकास चौधरी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर रघु शर्मा का नाम भी आ रहा है और रामचंद्र चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। बात करें नागौर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर मुकेश भाकड़ का नाम सामने आ रहा है और महेंद्र चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। बात करें पाली लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर बद्री राम झाकड़ का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा संगीता बेनीवाल का नाम भी सामने आ रहा है और राजू राम चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। बात करें बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर नाना लाल नीनामा का नाम सामने आ रहा है। बात करें राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर सीपी जोशी का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कार्तिक चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है और सुदर्शन सिंह रावत का नाम भी सामने आ रहा है। बात करें भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर धीरज गुर्जर का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा रामलाल जाट का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा सीपी जोशी का नाम भी सामने आ रहा है। बात करें कोटा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर चेतन पटेल कोलाना का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अशोक चांदना का नाम भी सामने आ रहा है और राम नारायण मीना का नाम भी सामने आ रहा है। बात करें झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर प्रमोद जैन भाया का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा कैलाश मीणा का नाम भी सामने आ रहा है और रघुराज सिंह हाणा का नाम भी सामने आ रहा है। बात करें दौसा लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर मुरारी लाल मीणा का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा नरेश मीणा का नाम भी आ रहा है और राजेश्वरी मीणा का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर आरडी मीणा का नाम आ रहा है और इसके अलावा पीडी मीणा का नाम भी दौसा लोकसभा क्षेत्र से सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें बाईमेर लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से कांग्रेस के टिकट पर उमेदा राम बेनीवाल का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा विधायक हरीश चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है। हम आपको बता दें कि उमेदा राम बेनीवाल हाल में ही हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइए।